एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। सो बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि अपनी यूनिवर्सिटी का टूर कराओ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का टूर कराओ, तो मैंने सोचा आज की चलो करा देते हैं। अभी मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को जो है धूप ही लगी हुई है, तो मैं आप लोगों को अभी पूरा टूर कराऊँगा। तो ये है समर हिल चौक, यहाँ तक आप लोगों को बस मिल जाएगी। तो ये बस है और सामने ही माता रानी का मंदिर है, और जस्ट इसके बिल्कुल साथ से यहाँ पे जो है ऊपर पोस्ट ऑफिस है, और ये यहाँ से जो है रास्ता जाता है हमारी यूनिवर्सिटी को। तो चलिए चलते हैं, अभी आप लोगों को मैं पूरी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। तो ये है हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का गेट, पहला गेट, और उसके आगे आप लोगों को दूसरा गेट दिखाई देगा। और अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एरो लगा है नीचे को, जहाँ पे डिपार्टमेंट है, अभी लेके जाऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पे है आप लोगों का संस्कृत विभाग, कॉमर्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, पब्लिक एड का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, पॉपुलेशन स्टडीज़ का, संगीत का, और दृश्य कला, अच्छा ये विजुअल आर्ट्स का। तो चलिए पहले आप लोगों को मैं पूरा डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। सेकंड गेट है, वहाँ से नीचे को स्टेयर्स जाती है, और यहाँ सामने आप लोगों को एक हॉटस्पॉट जो कि एक कैफ़े टाइप है, तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग मैगी वगैरह खा सकते हो। तो इसके नीचे इसके ये जो है यहाँ से स्टेयर्स हैं, और यहाँ सामने जो है ये है अंबेडकर भवन का फेज़ वन। तो यहाँ से आगे तक ना जो भी आप लोगों को बिल्डिंग्स दिख रही है, ये सब जो है अंबेडकर भवन है, और यहाँ पे ही सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को पीछे बताए थे। तो ये सारा है यहाँ पे, ये थोड़ा आगे तक है, काफ़ी बढ़िया मैंने जो है वाइड एंगल किया हुआ है, तो इसमें है। तो अभी चलेंगे हम फिर से ऊपर, और फिर आप लोगों को और डिपार्टमेंट्स दिखाता हूँ। सबका ATM आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और एक SBI का ATM यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, और डिपार्टमेंट्स भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये है फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट, यहाँ पे कला विभाग, और यहाँ पे ATM भी मिल जाएगा आप लोगों को, और यहाँ पे नोटिस बोर्ड्स हैं, और ये कुछ प्रकृति की सौंदर्यता के बीच में हमारी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लिखा गया है विश्वविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेवारी है। और ये वही सारा नीचे डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सारी डिपार्टमेंट है जो मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाया था। यहाँ तक है यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट, ये देखिए उधर से लेकर, और एक ये पुरानी सी बिल्डिंग है यहाँ पे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ये क्यों है यहाँ पे, ये पुरानी सी बिल्डिंग है। सो ये है हमारा ज्ञान पथ, इसे ज्ञान पथ कहा जाता है, और ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे जो है नक्काशी वगैरह की हुई है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड मैथ्स डिपार्टमेंट, और ये देखिए सामने आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और ऊपर आप लोगों को डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। ये सारी बिल्डिंग उन्हीं की है। तो ये है यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, चलते हैं ऊपर। जो ये ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ये ऊपर से आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। ऊपर जो है कंप्यूटर सेंटर है। सो ये है ज्ञान पथ, मतलब जो यहाँ से रास्ता है ना, इसको यहाँ पर ज्ञान पथ कहा जाता है। डिपार्टमेंट नीचे है, इस जो जंगल है इसके नीचे एक यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट है, फिर आगे को मेरा डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और नीचे जो है चीफ वार्डन ऑफिस भी है, वो आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। ऊपर लाइब्रेरी की तरफ, ये है हमारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग। तो मैं सोचा था लाइब्रेरी का भी आपको और दिखाऊंगा, मैंने खुद ही अभी पूरी एक्सप्लोर नहीं किया इसमें। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, और यही सबसे सुंदर बिल्डिंग भी है हमारी यूनिवर्सिटी की। तो थोड़ा सा भी दिखा दूंगा, बट वैसे मैं आप लोगों को फिर बाद में ही दिखाऊंगा। तो ये है कंप्यूटर सेंटर यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे छोटी सी पार्किंग सी है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और इसको CV रमन भवन कहा जाता है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि पेपर्स होते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता है कि कौन सा भवन कहाँ है, तो इसको CV रमन भवन कहते हैं। और जो ऊपर है, ऊपर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज़, सबसे ऊपर वहाँ पर, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, तो एनवायरनमेंट स्टडीज़ वाला, और जो MBA रूरल डेवलपमेंट है उनके क्लासेस यहीं पे लगती है ऊपर। चलते हैं अंदर फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, और इसके ऊपर ऊपर जाके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जो है फिर वो आती है योगा स्टडीज़ एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। सो कुछ ऐसा है, सब चलते हैं आगे की तरफ।
और फिर आगे आप लोगों को दिखाता हूँ और चीज़ें। आगे को हमारा जो है एडम ब्लॉक है और चीज़ें भी है। अभी सामने है SBI का यहाँ पे ऑफिस, तो यहीं से चलान वगैरह होते हैं। और यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट, तो माइग्रेशन वगैरह का काम यहीं से होता है सारा। और यहाँ पे आगे डिपार्टमेंट यहाँ से नीचे है, जैसे कि डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम और NSS वगैरह का। और यहाँ पे नीचे जो है ना UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर भी है नीचे को, IIHS भी है नीचे को। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स है, बट यहाँ पे मैं कभी गया ही नहीं यहाँ से आगे, कभी इस गेट से आगे ही नहीं गया मैं कभी। ये है यहाँ पे पिंक पेटल, और यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो यहाँ पे सब खाना खाते हैं मोस्टली। कामधेनु कैफ़े यहाँ पे, और यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, काफ़ी अच्छा है। सभी यहाँ से आगे वाले डिपार्टमेंट्स दिखाता हूँ। और कामधेनु के नीचे भी जो है, कामधेनु के नीचे भी है कुछ डिपार्टमेंट, इतना मुझे पता नहीं है। और ये तो वही नीचे वाली बिल्डिंग है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है, ये जो एरो लगा हुआ है, मतलब ये सामने वाली बिल्डिंग्स में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन, इसमें जो है आप लोगों को सारे जो बायो साइंसेस के डिपार्टमेंट है, जॉलजी, बॉटनी और कंप्यूटर, नीचे सबसे नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला डिपार्टमेंट है वो सारे यहीं पे है। तो ये पूरी बिल्डिंग है, और इसके बाद ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद भवन, यहाँ पे मुझे उतना पता तो नहीं है कौन कौन से डिपार्टमेंट पर, जियोग्राफी डिपार्टमेंट है इतना मुझे पता है, और पता नहीं है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे भी, और इससे अंदर से भी एक डिपार्टमेंट है। ये यहाँ पे जो है वाइस परमार जी की एक मूर्ति लगाई गई है हमारे जो ऑडिटोरियम उसके बाहर, और कल 4 अगस्त को जो है उनकी जन्मदिवस भी था। तो चलिए, और ये हमारा सभा भवन, मतलब ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा है, जो मैंने काफ़ी व्लॉग्स में दिखाया है, तो अभी मैं अंदर नहीं जाऊँगा, वो वैसे भी आज बंद ही होगा ऑडिटोरियम। यहाँ पे VC ऑफिस भी है, वाइस चांसलर का ऑफिस हमारा, ISODOL डिपार्टमेंट पूरा, ये पूरी जो है ISODOL की बिल्डिंग है। यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्न एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग, तो ये सारी जो है ISODOL की पूरी बिल्डिंग है। ये जो है बसेस हैं हमारी यूनिवर्सिटी की, इसमें पेपर वगैरह लेके जाते हैं। तो ये मयूर बस है, और ये है सबसे मेन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहाँ पे भी आप लोगों को एक ATM मिल जाएगा, और सारे काम यहीं से होते हैं, यहीं सबसे ज़्यादा दिमाग खाते हैं। बिल्डिंग इस एडम ब्लॉक के पीछे भी है, लेकिन वहाँ को कैसे जाते हैं मुझे पता नहीं, अंदर से तो मैं गया हूँ, तो बाहर से पता नहीं कैसे जाते होंगे। और एक यहाँ पे है बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, जो कि ISODOL का है, ये भी पीछे तक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। सो ये सारी बिल्डिंग है। अभी कुछ और डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो कह दो, हेलो। वहाँ पे पार्किंग, और पार्किंग से अंदर को जो है एक और बिल्डिंग है ये वाली, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे, आपको लोगों से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ दिखेगी। सो आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग है अंदर को, आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी। तो गाड़ियाँ इतने सच में लोग नहीं होते यहाँ पे जितनी यहाँ पे गाड़ियाँ होती है। ये देखिए गाड़ियाँ, तो मैंने वाइड एंगल किया है तब भी ज़्यादा लग रही होगी। और ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, ये पानी की टंकी है बड़ी सी। तो भी चलते हैं लाइब्रेरी, और कुछ डिपार्टमेंट्स अभी रह चुके हैं, जैसे मेरा खुद का डिपार्टमेंट है, और भी है एक दो डिपार्टमेंट्स, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। अभी मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो रही थी, और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो डिस्पेंसरी जाना है, वहाँ से दवाइयाँ भी लेनी है। तो अभी नीचे वाले डिपार्टमेंट आप लोगों को दिखा लेता हूँ, और साथ में डिस्पेंसरी भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। आता है लाइब्रेरी के पास नीचे को, और ये सामने एक न्यू बिल्डिंग बन रही है, और नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो ये पूरा लॉ डिपार्टमेंट है सारा, आप लोगों को जो दिख रहा है। यहाँ से चलते हैं पहले डिस्पेंसरी के लिए। तो यहाँ सामने ही डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पर दवाइयाँ लेते हैं। यहाँ पे डिस्पेंसरी,
दो फ्लोर की है। अभी चलते हैं, डॉक्टर साहब को बताता हूँ क्या क्या हुआ है, फिर दवाइयाँ लेता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हो जाता है ऐसे। ये पर्ची कटा ली है, अभी दवाइयाँ ले लेते हैं नीचे से, जो जो यहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो फिर बाहर से लेनी पड़ेगी। ये दवाइयाँ मिल चुकी हैं, चलते हैं हॉस्टल की तरफ। अभी मैं आपको और दिखा लेता हूँ थोड़े से डिपार्टमेंट्स। सो ये है हमारी डिस्पेंसरी यहाँ पे। तो ये छोटी सी एम्बुलेंस है, तो ऊपर जो है मेडिकल ऑफिसर होते हैं, नीचे आयुर्वेदिक वाले होते हैं। तो इसके जस्ट साथ में यहाँ पे एक छोटी सी पार्किंग टाइप है, और ये नीचे भी एक पार्किंग है जो कि एमबी डिपार्टमेंट की है। तो ये है हमारा चाणक्य भवन, जो कि मतलब HP यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल का है। तो ये सारी MBA डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है पूरी। तो इसके आगे चलते हैं अब। तो ये है मेरे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, गांधी भवन, जिसमें कि योगा वाले भी हैं, उसके ऊपर मास कम्युनिकेशन है, उसके बाद दो फ्लोर हमारे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उसके बाद साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो ये सारा डिपार्टमेंट हमारा है। यहाँ के दो फ्लोर हमारे हैं, नीचे जाके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। वैसे तो कई बार दिखाया है अंदर से, अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि लेट भी हो रहा है। और ये शिमला का वेदर आप देख सकते हो कैसा है, मैंने पहले दिखाया। ये है लॉ डिपार्टमेंट। तो चलते हैं नीचे, नीचे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। एक बिल्डिंग ये है हमारे यहाँ पे, ये सामने को तो आप देख सकते हो हमारा भवन है, गांधी भवन। और इसके साथ में यहाँ को है तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़, और इसके नीचे हमारा जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस भी है, और हमारा चीफ वार्डन ऑफिस भी है, और डायरेक्टरेट इंटरनेशनल स्टडीज़ वेलफेयर ऑफिसर भी हैं। तो ये सारे यहाँ पे डीन ऑफ स्टडी भी यहीं पे है। तो ये सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, इसकी काफ़ी बड़ी है, 3-4 फ्लोर्स की। ऊपर है वो MBA वाली बिल्डिंग जो मैं दिखा रहा था, आगे से बहुत छोटी सी लगती है पर पीछे तक बहुत बड़ी है ये बिल्डिंग। है यहाँ पे डीन ऑफ स्टडीज़ कैफेटेरिया के नीचे, नीचे इसके ऊपर कैफेटेरिया है। देखिए कैफेटेरिया में हमको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है खाना मिल जाता है। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, ये HPU मॉडल स्कूल है। तो HPU का ही मॉडल स्कूल है ये। और ये व्यू, चल पड़ा हूँ मैं हॉस्टल की तरफ। HPU में ना बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब 50-60 कोर्सेज हैं। ऑब्वियसली क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इतने सारे होंगे ही, तो सारे कवर करना पाना तो मुश्किल है, पर मैंने मेन सारे कवर कर लिए हैं। हमारा पुलिस स्टेशन समर हिल का यहाँ पे। चल जाते जाते मुझे याद आया कि ये भी बता ही देता हूँ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से जो BTech वगैरह होती है, यहाँ से आगे है, मतलब इसको UIT कहते हैं। तो UIT यहाँ से आगे है, जब हम बॉयज़ हॉस्टल की तरफ पॉट हिल्स की तरफ को जाते हैं तो वहाँ पे आता है। अभी बारिश लगना स्टार्ट हो गया, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। गाइस इस व्लॉग में इतना ही, आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। पूरी यूनिवर्सिटी मैंने ऑलमोस्ट दिखा दी है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।